साल 2013 में एक जहाज अटलांटिक महासागर में तूफान के चलते डूब गया। जहाज में कुल 12 सदस्य मौजूद थे, उनमें से एक थे हैरिसन ओकेने, जो उस समय अपने कमरे में सो रहे थे। जहाज समुद्र की गहराइयों में चला गया और हैरिसन के कमरे में पानी भरने लग गया। बर्फ के जमा देने वाले पानी से बचने के लिए हैरिसन ने तुरंत कमरे में सारा सामान एक के ऊपर एक जमाया और उस पर तुरंत ही चढ़ गए। जैसे ही रात हुई, वैसे ही हैरिसन को कुछ अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उनके साथियों की थी, जिनके डेड बॉडियों को मछलियां खा रही थी। किसी तरह रात गुजरी और अगले दिन हैरिसन को ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी थी। तीसरे दिन बचाव दल फिर आया और इस बार हैरिसन ने एक लंबी सांस ली और पानी में डुबकी लगाकर बचाव दल के एक आदमी को हाथ किया। लेकिन उस इंसान को पहले तो लगा कि ये कोई डेड बॉडी है, मगर उसे फिर हाथ की हलचल दिखी तो वो समझ गया ये तो जिंदा है। उसके बाद हैरिसन को निकाला गया। तो दोस्तों, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और किस्सा पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।